अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने सोमवार को करनाल की अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल लाना किसान का अधिकार है, जब चाहे अपनी फसल मंडी में लेकर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को गेट पास को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जो ट्रैक्टर ट्राली मंडी के गेट पर आ गई है, उसे जरूर खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि ACS मिश्रा सोमवार को करनाल मंडी का दौरा करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्पष्ट निर्देश है कि जिन किसानों की फसल का मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण है, वे बगैर शेड्यूल के भी अपनी फसल मंडी में ला सकते हैं। उसे गेट पास की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश है कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीद एजेंसी के माध्यम से की जाए, बशर्त है कि गेहूं साफ सुथरी हो तथा सूखी हो। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान मंडी से खुश होकर जाए, प्रशासन की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिले। वहीं उन्होंने इस मौके पर राम गोपाल एंड सन्स दुकान नंबर 232 पर गंजोगढ़ी के किसान अकबर सिंह की गेहूं की फसल की खरीदारी करवाई और नमी को भी चेक किया। इस मौके पर DC निशांत कुमार यादव, ADC वीना हुड्डा, मार्केट कमेटी के सचिव क्या उन्होंने कहा आपकी समस्या सुनिए, क्या कहा? जो भी हमने समस्या सुनाई है, हर समस्या उन्होंने मौके पर पूरी कर दी है। जो पोर्टल की बात थी DC साहब की, DC साहब ने वो भी UP वाली मान ली है, वो भी आओगे। जितनी भी मांगे थी प्रशासन ने सारी की सारी बात मांगे हमारी मान ली है। जे फार्मिंग मजदूरी उसके बारे में कहा था, वो भी किसी की खत्ते में ही आओगी, वो बात भी होगी है। जितनी भी सारी मांगे थी प्रशासन टोटली मांगे सारी मान ली। मोक्चर को लेके दिक्कत आ रही थी? नहीं, मोक्चर को दिक्कत नहीं थी। मोक्चर था इसमें 12.7 था, घंटे की धूप लगने के बाद 12 आ जाएगा। पास कर दिया है, बिल्कुल संतुष्ट। आप क्या कहना चाहोगे? बस हम तो ये कहना चाहते हैं जी, हम पहले DC साहब से मिले थे, उन्होंने पहले भी हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, और आज भी जैसे भी हमने ACS साहब मैडम से जो है ना अपनी शिकायतें रखी हैं, 2-3 शिकायत मुख्य थी, वो उन्होंने हमारी मान ली है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सरकार के साथ सहयोग करके हम चलेंगे। क्या नाम है? गजय सिंह कुंडू, एक्स प्रेजिडेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल की अनाज मंडी की। ACS सुमित्रा मिश्रा जी यहाँ पहुँची हैं, मंडी का अवलोकन किया है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव भी मौजूद हैं। मंडी में किसानों के साथ बातचीत की। अब इधर ठीक है, क्या कहेंगे आज आपने विजिट किया है, क्या कहेंगे, क्या परेशानियां किसानों को आ रही है और क्या फैसिलिटी दी जा रही है? यहाँ आके हमने किसानों से भी बात की है, आढ़ती से भी और पब्लिक से भी, तो ओवरऑल व्यवस्था ठीक मिली है। और हमने एंट्री पर ही एक हेल्प डेस्क भी सेटअप किया हुआ है किसानों के लिए, जैसे कि किसी को अगर कुछ पूछना है मेरी फसल मेरे ब्यौरा के में कोई एंट्री के बारे में पूछना है, तो वो सारी जानकारी दी जा रही है। और दो चीज़ों पर मेनली हमने किसानों के कुछ जो सवाल थे वो क्लैरिफाई किए हैं। पहली चीज़ तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हमने शनिवार को खोल दिया है, और ये सभी की जानकारी के लिए है कि ये पोर्टल खुला है, अभी इसको बंद करने की कोई डेट हमने घोषित नहीं की है। तो किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही सबसे ज़रूरी कदम है जिसके ज़रिए आपको मंडी में एंट्री मिलेगी और आपकी फसल खरीद जाए। शेड्यूल का क्या रहेगा? शेड्यूल का मैं बता रही हूँ, पहले ये एक क्लैरिफिकेशन ये है। दूसरी ये कि शेड्यूलिंग पे हम कोई स्ट्रिक्टली या सख्ताई से उसको नहीं फॉलो करेंगे। मेन मैसेज ये है और CM साहब का भी यही मैसेज है कि कोई भी किसान मंडी के गेट पे अगर आता है अपनी फसल लेकर, तो उसको हम एंट्री नहीं रोकेंगे, कोई शेड्यूलिंग पे जोर नहीं दिया जाएगा। अगर उसका मेरी फसल मेरे ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन है, तो वो मंडी में कभी भी अपनी फसल ले आए जैसे अपनी सुविधा अनुसार, और उसको सारी व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। मैम, कुछ किसानों को दिक्कत आ रही है मॉइस्चर को लेके, यहाँ पिछले 2 दिन से उनकी जो फसल का उठान नहीं हो रहा है, मॉइस्चर को लेके समस्या आ रही है। मॉइस्चर हमने अभी चेक भी किया है, अभी मॉइस्चर चेक भी करवाया है, तो मॉइस्चर चेक नॉर्म्स के लगभग अंदर ही है, 12% का नॉर्म है। अभी हमने जो चेक किया वो 13% आई है, वो शाम तक अपने आप सूख जाएगी धूप में पड़ी। नहीं, किसानों का कहना है कि मॉइस्चर पहले की तरह गया जाए 14%, क्योंकि प्रदर्शन भी किया था किसानों ने। वो तो कुछ घंटों की बात है, अगर आज सुबह 14% है,
धूप में ढेरी पड़ी है तो वो शाम तक 12 हो जाएगी, तो इसमें कोई ऐसी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, कोई सीरियस इशू नहीं है। और किसान भी ये समझता है, हमारी भी यहाँ बात हुई, उन्होंने कहा हाँ हमने धूप में डाला हुआ, शाम तक ये ठीक परसेंटेज में आ जाएगा। वो दो दिन से बैठे हैं जैसे कि नहीं, ऐसी कोई इशू मेरे सामने तो नहीं आई, बताइए। और जो इनका 14% वाला, हाँ 12% तो अलाउड है, 14% FCI ने ही रिस्ट्रिक्शन लगाई है 12 की, तो जो एजेंसीज हैं फूड एंड सप्लाईज वगैरह इन्होंने FCI से टेकअप किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, इसलिए थोड़ा समय इसमें लग सकता है। तब तक किसान भाइयों को सबसे मैसेज हमने करा दिया है कि वो सुखा करके और फिर थोड़ा सुखा के लाए। हम पेमेंट को लेके मसला, पेमेंट पिछली पेमेंट भी बकाया, भी धान की पेमेंट भी 50 करोड़ रुपया जैसे काफ़ी सारी पेमेंट में आ गई है मैम इसमें, और जो बची है वो भी फूड एंड सप्लाईज और जिन जिन विभागों की एफएड की वो तुरंत दिलवा रहे हैं। मोहिदीनपुर मंडी की काफ़ी करोड़ों रुपये की पेमेंट अभी रिसेंटली हमारे पास आई। ठीक है, लेट्स गो। तो ये थे ACS सुमित्रा मित्रा, करनाल की अनाज मंडी में निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। उनके साथ जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उनके साथ जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव भी मौजूद थे। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।